लाख ने उसे ज्यादा पैदा किया, पैदा भी ज्यादा किया और उसे हासिल करना आसान कर दिया। कैसी करीमी है उसकी, देखो जिन चीजों की जरूरत है कि इंसान को ज्यादा, अल्लाह उसे ज्यादा पैदा करता है और उसका हासिल करना भी आसान कर देता है। आप मुझे बताओ, कपड़े से खाने की जरूरत ज्यादा है कि नहीं? कपड़े की जरूरत कम है ना? अरे भाई, एक कपड़े पे जिंदगी गुजारी जा सकती है? केवल लगाना पड़ेगा, बार बार धुल के पहनना पड़ेगा, लेकिन प्यारे एक वक्त खाकर जिंदगी नहीं गुजर सकती। खाने की जरूरत ज्यादा है कपड़े की जरूरत से, तो कपड़े की पैदावार कम है खाने से, कपड़ा कम पैदा होता है और उसका हुसूल भी खाने से ज्यादा मुश्किल है। कपड़ा हासिल कैसे करते हो? कपास बोया जाता है, उससे कॉटन निकलता है, फिर उससे धागा निकाला जाता है, फिर वो जाकर मिल में धागा बनता है, फिर वीवर्स के पास जाता है, वो उससे कपड़ा बिनता है, फिर वो कपड़ा फिनिशिंग में जाता है, फिनिशिंग में मिलकर दुकान पर आता है, आप उसे खरीदते हो, किसी टेलर को देते हो, वो काटता है, छांटता है, सीता है, फिर आप पहनते हो। तो जिन चीजों की जरूरत कम, उसे अल्लाह ने कम पैदा किया, उसका हुसूल भी मुश्किल है। आप देखो, और कपड़े से ज्यादा खाने की जरूरत है कि नहीं? अब कपड़े से ज्यादा खाने की जरूरत है, देखो हमारा रब कितना करीम है कि कपड़े से ज्यादा खाने को पैदा किया। एक दाना जमीन में वो एक पेड़ निकलता है, एक पेड़ कई दानों को पैदा करता है और हुसूल भी आसान, उसका हासिल करना भी आसान। अब तो कुछ धागा नहीं बनाना, कुछ काटना नहीं है, कुछ बिनना नहीं है, कुछ फिनिशिंग नहीं करना है, कहीं जाके कटिंग नहीं करवानी, स्टिचिंग नहीं करवानी, आसान है हुसूल। जमीन का सीना चीरो, दाना डालो, फसल तैयार हो, पक जाए, काटो, घर लाओ, पीसो, खा लो। और मुझे बताओ, खाने से ज्यादा पानी की जरूरत है क्या? अरे खाना भी एक हफ्ता नहीं मिलेगा, हमारे सलाफ ने तो बांधा एक एक हफ्ता नहीं खाया, पेट की भूख को दबाने के लिए शिकम पर पत्थर बांधा है। ठीक है, आजकल मुसलमान एक हफ्ता नहीं, तीन दिन तो रह सकते हो, तीन दिन तो रह सकते हो, लेकिन पानी ना मिले कितने घंटे? रमजान के अलावा, रमजान में 14 घंटे रह लेते हो, 12 घंटे, लेकिन ये ना समझना कि रमजान के अलावा भी रह लेंगे, वो रमजान की बरकत है कि 14 घंटा निकल जाता है। ऐसे प्यासे रह के देखो, हलक में कांटे चुभने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 4 दिन 5 दिन पानी ना पियो। तो खाने से ज्यादा पानी की जरूरत है कि नहीं तुम्हारे? है। तो हमारा रब कितना करीब कि खाने से ज्यादा पानी की जरूरत, तो अल्लाह ने पानी को ज्यादा पैदा किया और उसका हुसूल भी आसान कर दिया। पानी पानी पूरी दुनिया जितने पर है ना, 3 हिस्से पर पानी की हुकूमत है, 1 हिस्से पर हजरत इंसान रहता है। पानी पानी पैदावार ज्यादा, हुसूल। अब तो मियां कुछ बुनना नहीं है, पेड़ के बड़े होने का इंतजार नहीं करना, कुछ पढ़ने का इंतजार नहीं करना, कुछ काटना भी नहीं है, कुछ पीसना भी नहीं है, हुसूल इतना आसान। गड्ढा खोदो, पानी निकालो, पी लो। तो हवा की जरूरत ज्यादा, तो अल्लाह ने हवा को ज्यादा पैदा किया
और उसका हुसूल भी आसान कर दिया, हुसूल भी आसान कर दिया। अब तो मियां कुछ खोदने की भी जरूरत नहीं, कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं, जरूरत ज्यादा तो हुसूल आसान। नाक के करीब कर दिया हवा को, खींचो और ले लो। हमारा रब कितना करीब है, जिन चीजों की जरूरत ज्यादा अल्लाह ने उसे ज्यादा पैदा किया और उसका हुसूल आसान कर दिया। प्यारे अब आप देखो जरूरतों के सिलसिले को देखो, आप ये जानते हो क्या कि गिलास में पानी रखा हो वो तुम्हारे होंठों तक ना जाए और तुम्हारी प्यास ना बुझाए तो पानी किस काम का। बस्तर पे खाना लगा हुआ हो वो तुम्हारे पेट में ना जाए, तुम्हारी भूख को ना बुझाए तो खाना किस काम का। कपड़ा सामने रखा हो लेकिन उससे तुम तंग ना थक सको, वो तुम्हारे किसी काम ना आए तो कपड़ा किस काम का। ये फिजा ही फिजा है लेकिन ये हवा अंदर ना जाए ये तुम्हारी हवा किस काम की। तो प्यारे ये खाना ये पानी जो हमारी बुनियादी जरूरत है ये हमें फायदा देती है कब, जब अल्लाह का फजल होता है तब, जब रहमत इलाहिया शामिल होती है तब। अगर रहमत रब की शामिल ना हो और ये हवा अंदर ना जाए तो क्या कर लोगे। ये रब की रहमत है, उसका फजल है कि ये हवा अंदर जाती है और अंदर जाकर बाहर ना आए तो क्या कर लोगे। अंदर जाकर ये बाहर आती है, ये रब का फजल है, उसकी रहमत है। आप मुझे बताओ इन सब चीजों से ज्यादा जरूरत रहमत की है कि नहीं। सब कुछ है, रहमत ना हो तो कोई चीज फायदा नहीं दे रही है। तो आप सबसे ज्यादा रहमत की जरूरत है कि नहीं। रहमत शामिल होगी तो पानी प्यास बुझाएगा, रहमत शामिल होगी तो खाना भूख मिटाएगा, रहमत शामिल होगी तो मकान साया देगा, रहमत शामिल होगी तो हवा मुफीद होगी जिंदगी अता करेगी, रहमत शामिल होगी तो सांसें आएंगी और जाएंगी, रहमत शामिल होगी तो जिंदगी की बहारें हैं, रहमत शामिल है तो वजूद की जमानत है, रहमत शामिल है तो देखती हुई आंखें हैं, रहमत शामिल है तो बोलते हुए जबान है, रहमत शामिल है तो सुनते हुए कान है, रहमत शामिल है तो धड़कता हुआ दिल है, रहमत शामिल है तो उठते हुए हाथ है, रहमत शामिल है तो चलते हुए कदम है, रहमत शामिल है तो सोचता हुआ दिमाग है, रहमत शामिल है तो ये इज्जत है, रहमत शामिल है तो ये आबरू है, रहमत शामिल है तो ये वजूद है, रहमत शामिल है तो हमारी पहचान है, रहमत शामिल है तो हम इंसान है। रहमत की जरूरत ज्यादा, वरना सब कुछ रहकर भी किसी काम का नहीं। रहमत है तो हर चीज चीज है, हर चीज नेमत है, और अगर रहमत ना हो तो किसी का कोई फायदा नहीं। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इन सारी चीजों से ज्यादा जरूरत रहमत की है। तो जब रहमत की है तो देखो रब ने तुम्हारे लिए रहमत का क्या इंतजाम किया है और उसका हुसूल कितना आसान कर दिया है। क्या रे तुम्हें रहमत की ज्यादा जरूरत, तो क्या रे रहमत को ज्यादा बनाया, ज्यादा पैदा किया और यूं फरमा दिया वो मार सन्ना का इल्ला रहमत लिल्ला नबी ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए, सिर्फ जमीन के लिए नहीं, सिर्फ समुंदर के लिए नहीं, सिर्फ बयाबान के लिए नहीं, सिर्फ कोहिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ सहराओं के लिए नहीं, ऐ महबूब रहमत की ज्यादा जरूरत इंसानों को, तो हमने तुम्हें सारे आलम के लिए रहमत बना दिया। ज्यादा पैदा किया और हुसूल भी आसान, ज्यादा तो पैदा किया।